हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन। आज हम आपको मैथ्स में सब्ट्रैक्शन वाले सम्स में बोरो वाले सम्स सिखाएंगे कि हम कैसे बोरो लेते हैं। फर्स्ट हम आप सभी को पता है कि फर्स्टली हम स्टार्ट राइट साइड से करते हैं, तो इसमें भी हमने राइट साइड से स्टार्ट किया है और ये है हमारा 467। 467 में से आपको 312 सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्टली हम देखेंगे यहाँ से 7। 7 में से अगर हम 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा क्या लेफ्ट आता है? 5। इस हम फिर लेफ्ट साइड जाएंगे तो हम 6 में से अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है? 5। इसके बाद है 4। अगर हम 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है? 1। तो हमारा आंसर आता है 155। सेकेंड सम हम आपको बोरो वाला सिखा रहे हैं। इसमें है हमारे पास 856। 856 में से हम 237 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? अब हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास है 6। 6 में से अगर हम 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारा 6 छोटा है और 7 बड़ा है और छोटे में से कभी भी बड़ी चीज सब्ट्रैक्ट नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, 6 में से इधर लेफ्ट साइड से हम एक बोरो लेंगे, यानी कि 5। 5 में से अगर हम एक बोरो इधर लेंगे राइट साइड में तो हमारे पास यहाँ पर 5 में से अगर हम 1 को बोरो इधर ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या बच जाएगा? 4। और यहाँ पर हमने राइट साइड में बोरो लिया है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 16। और अगर हम 16 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आता है? 9। उसके बाद है हमारा यहाँ पर हमारा क्या बचा था? 5। 5 अगर हमने 5 में से 1 को बोरो लिया था तो हमारे पास यहाँ क्या बचा था? 4। 4 में से अगर हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आता है? 1। उसके बाद है हमारा 8। 8 में से अगर हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आता है? 6। एक और सम हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। ये है हमारे पास 973। अगर हम 973 में से 435 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अब देखते हैं हमारे पास क्या आता है। फर्स्टली हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। ये है हमारे पास 33 में से अगर हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे पास 3 छोटा है और 5 बड़ा है इसमें भी, क्योंकि हमारे हम कभी भी छोटी चीज में से बड़ी को सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, लेफ्ट साइड से एक बोरो लेंगे। अगर हम 7 से एक बोरो लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा? 6। और हमने राइट साइड बोरो लिया है तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा? 1। यानी कि हम इसमें ऐड हो जाएगा तो ये जो हो जाएगा हमारे पास 13। अगर हम 13 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचता है 8। और यहाँ पर हमने एक बोरो इधर लिया था तो हमारे पास यहाँ क्या बचा था? 6। अब हम 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या लेफ्ट बचेगा? 3। उसके बाद फिर लेफ्ट साइड जाएंगे तो अब हमारे पास है 9। 9 में से अगर हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचता है? 5। जिस तरह से बच्चों अब मैंने आपको ये 3 सम सॉल्व करके दिखाए हैं उसी तरह से अब आपको ये सभी सम्स अपने आप से खुद से सॉल्व करने हैं। ओके।